ये अकेला मत समझना, हम हमेशा साथ रहेंगे। बुराई में ताकत जितनी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। हमारे बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से लौट कर आ रहा है अपनी मूवी क्रिश 4 के साथ, जिसमें इस बार क्रिश के साथ साथ लिटिल क्रिश और जादू भी होने वाला है, क्योंकि अगर क्रिश 4 में जादू की एंट्री नहीं हुई तो ये मूवी इतनी हिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जादू के बिना क्रिश 3 भी अच्छी नहीं चली थी। इसलिए अगर क्रिश 4 को यही पुराना वाला मैजिक चलाना है तो जादू को लौट कर आना ही होगा। साथ ही अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो इस बार ओरिजिनल कहानी की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार क्रिश 3 में एक्स मैन की कॉपी की गई थी, और अगर इस बार भी किसी हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी की कॉपी की गई तो मूवी अपने नाम और फ्रेंचाइजी की वजह से कमाई तो अच्छी करेगी लेकिन ट्रोल ज़रूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर जादू की एंट्री हुई तो गैलेक्सी में जाने का पार्ट भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जब जादू अपने प्लैनेट पर होगा और वो किसी मुसीबत में पड़ जाएगा तब वो अपने दोस्त रोहित की मदद मांगना चाहेगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि रोहित नहीं रहा तब वो क्रिश की मदद मांगेगा और क्रिश जादू की मदद करने जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से उसे सुपर पावर मिले हैं। और जब वो गैलेक्सी में जाएगा और जादू के प्लैनेट पर पहुंचेगा तब उसे पता चलेगा कि गैलेक्सी में काफ़ी सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर कई अलग अलग तरह के एलियंस रह रहे हैं, जिनमें से जादू के प्लैनेट वाले एलियन सबसे ताकतवर हैं, जो पृथ्वी पर आने में सफल रहे थे लेकिन अब उन पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। साथ ही ये एक मौका भी होगा जादू की हिस्ट्री बताने का कि वो कौन से प्लैनेट से आया है, उसकी सुपर पावर कौन सी है, या उसकी फैमिली कौन कौन है, क्या वो सभी एक जैसे दिखते हैं या उनके भी नंबर्स होते हैं। इसलिए अगर इस मूवी में जादू की स्टोरी पर ज़्यादा फोकस किया गया और उसकी हिस्ट्री दिखाई गई तो ये मूवी काफ़ी अच्छी चलने वाली है। इसके साथ ही काफ़ी वक्त से ये भी कहा जा रहा है कि क्रिश में टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट भी होगा, तो अगर टाइम मशीन के ज़रिए जादू रोहित मेहरा से मिलने जाता है, ये क्रिश जादू के प्लैनेट पर जाता है, तब इसके साथ एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी जन्म ले सकता है। तो अब आप बताओ कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।